हिमाचल में सेब से अधिक चेरी पैदावार करने वाले क्षेत्रों में इन दिनों चेरी तुड़वान और मंडी भेजने का कार्य जोरों पर है। इस बार चेरी उत्पादकों को मंडियों में सरकारी उचित व्यवस्थाओं के कारण दाम आशा अनुरूप मिल रहे हैं, जिससे बागवान भी खुश हैं। वर्तमान में एक किलो पैकिंग की चेरी के डब्बे में 150 से 400-500 तक दिल्ली मंडी में बिक रहा है। इन दिनों शिमला जिला के थानाधार, भुट्टी, कीर्ति, ढलान, ननखड़ी और ओटी के आसपास के क्षेत्रों में चेरी की मंडियों में भेजने का काम जोरों पर चल रहा है। क्षेत्र में मुख्य रूप से पारंपरिक किस्में लाल काली चेरी के अलावा नई किस्म ड्यूरो, नेरा, स्टेला और मर्चेंट आदि की बागवानी भी की जा रही है, जिनके दाम बागवानों को कोरोना और कर्फ्यू के दौरान आशा से बढ़कर मिल रहे हैं। थाना, भुट्टी और आसपास के क्षेत्रों से चेरी को मंडी भिजवाने का काम स्थानीय कॉपरेट सोसाइटियों के माध्यम से हो रहा है। सोसाइटियां बागवानों से चेरी पेटियां घर द्वार पर एकत्रित करके शाम को दिल्ली मंडी भेजने का काम करती है और सुबह चेरी मंडी पहुंचाकर उसे बेचा जा रहा है। भुट्टी कॉपरेट सोसाइटी के प्रधान राजपाल ने बताया कि लोगों को इस कोरोना महामारी के दौरान सुविधा देने का ये प्रयास किया गया है। सोसाइटी ने अब तक करीब 50,000 चेरी बॉक्सेज दिल्ली मंडी भेज दिए हैं। चेरी एक किलो पैकिंग के दाम 150 से 450 रुपए तक के हैं। मैं राजपाल बूटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रधान हूँ, तो यहाँ पर लोगों को हम अच्छी सुविधा देते हैं। हमने 50,000 डब्बे अभी यहाँ के लोगों के जो मार्केट में भेजे हैं, बाकी अभी कुछ रहा हुआ है लोगों का। बाकी उसके अलावा भेजे तो हमने अभी चरी है, उसके अलावा प्लम, बादाम, चक्करपारा, ये एवरीकॉट, सेब तक की सुविधा हम इसी तरह देते रहेंगे। तो क्या रेट चल रहा है अभी चेरी का? चेरी का मिनिमम रेट यही है, 150 से 350-400 तक। पैकिंग कितनी होती है इसकी? किलो की पैकिंग होती है। चेरी उत्पादक ताराचंद ने बताया कि उनके करीब 6,000 चेरी बॉक्स होते हैं। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के माध्यम से रोज चेरी की पेटियों का कलेक्शन होता है और शाम को गाड़ियां दिल्ली रवाना कर दी जाती हैं, जो सुबह दिल्ली मंडी पहुंच कर बिक जाती हैं। बागवानों को रोज अपनी फसल के दाम का भी पता चल जाता है। मेरा नाम ताराचंद चौहान, गाँव कोटीधार, डाकखाना भुट्टी, तहसील सब तहसील कोटगंज। तो हम यहाँ पे चेरी का जो प्रोडक्शन है हमारे वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इस पंचायत में ये जो पंचायत है यहाँ पे हमारे ख़ास तौर पे 3-4 पंचायतें हैं। भुट्टी है, थानेदार है, किट्टी, आपका शमातला, कोटगढ़ जो पंचायत से हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चरी का होता है। जो मेनली हमारे वहाँ चरी थी वो पुरानी जो चरी थी वो काली और लाल, इसके भी वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं। पर जो नई वेराइटीज हमारे वहाँ आई हैं 2010 के आसपास, हमारे को यहाँ पे हमारे वहाँ जो चरी आई हैं वो ड्यूरोनेरा है, मर्चेंट है, स्टेला है, इस ढंग की जो चरी आई है उसके रेट हमारे को पर केजी के हिसाब से हमारे को लगभग उसके रेट दाम जो है 150 रुपये से लेकर लगभग 400-500 रुपये तक मिलते हैं। तो चेरी की जहाँ तक पैकिंग की बात करें हम आपको कि ये पैकिंग जो है दो उससे होती है। एक तो ये गत्ते की, गत्ते का एक किलो का डब्बा भरा जाता है, वो एक किलो की पैकिंग में जाता है। तो एक दूसरा जो वो आया वो ट्रांसपेरेंट पनट्स होते हैं जिसमें 600 ग्राम की पैकिंग के हिसाब से जाता है, और एक डब्बे में वो दो पनट्स हम उसको डालते तो 1200 ग्राम की चेरी उसमें जाती है। तो वो दो किस्म की पैकिंग हमारे जो है जाती है। और मेन जो इस टाइम हमारे पास जो मंडी है वो हमारे दिल्ली है। उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे वहाँ बहुत आए हुए हैं, आते हैं। प्राइवेट कंपनीज भी है, ये बिग बास्केट है, एक दो कंपनीज और भी आई हुई हैं, वो भी यहाँ पर। चेरी उत्पादक अनूप ने बताया कि चेरी का सीजन जोरों पर है, ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा चेरी उत्पादक है। उन्होंने बताया कि यहाँ मुख्य रूप से लाल काली के अलावा नवीनतम किस्म की चेरियों को तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में एक किलो पैकिंग 150 से 450 रुपए बिक रही है। अच्छा, मेरा नाम अनूप भलाइक, वैसे गांव पलसर, भुट्टी और तहसील कमासन में। तो आजकल जैसे हमारा सीज़न जोरों पे चला हुआ है चेरी का, और अब जैसा हमारा इलाका है तो यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्शन हो जाता है चेरी का।
और जो वैरायटीज़ ज़्यादा यहाँ पे प्रचलन में है, मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल वैरायटी में ब्लैक चेरी है, रेड चेरी है, जो उसके अलावा जो थोड़े बड़े साइज़ में हमारी ड्यूरोनेरो है, स्टेला है, मर्चेंट है, तो इस तरह की चेरीज़ है। तो जहाँ तक अगर आप प्राइस का पूछें तो 150 से लेकर 400 तक मार्केट में बिक रहा है, और मैक्सिमम ये जा रहा है 1 किलो की पैकिंग में, और पेनेट्स में जाता है 1200 ग्राम की पैकिंग में जाता है। बहुत बढ़िया गया जी, कोरोना काल में जो भी गवर्नमेंट के नियम रूल के अनुसार ही लोगों ने वो की कार्य किया यहाँ पे चेरी सीजन। पहले तो हमारी रेड वैरायटी रेड चेरी आती है, उसके बाद ब्लैक। तो क्या रेट चला है इस वक्त चेरी का? रेड का भी जी अच्छे रहे, 100-150 के बीच रेट, और ब्लैक के भी जी 100 से 200-250 तक मिले। फिर जो डेरोनेरो वैरायटी है जी एक, उसके भी मतलब 150 से 200-250-300-500 तक भी बिके जी डेरोनेरो वैरायटी। तो क्या पैकिंग होती है, कितनी पैकिंग? 1 kg बॉक्स से होता है जी डब्बा, और एक पैनेट, पैनेट का जो है पैनेट में मतलब अच्छा आगे डिमांड भी पैनेट में अच्छा, बढ़िया साइज़दार चरियाँ वो पैनेट में अच्छे रेट मिल रहे हैं आगे जी। फिर अब हमारा आजकल बादाम चल पड़ा जी, एलमंड का सीज़न,